जेसीबी। कई साल पहले उज्जैनी नाम के गांव में रंजित नाम का जेसीबी वाला हुआ करता था। आसपास के गांव में किसी के पास जेसीबी ना होने के कारण हर काम के लिए उसी का जेसीबी इस्तेमाल करते थे। एक बार रेत का ठेकेदार रंजित के पास आकर, रंजित सुनो, 2 दिन में रेत को शहर पहुंचना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, काम को कितना लगेगा पता? सर, दिन का 1000 रुपए लगता है, लेकिन 2 दिन में रेत को पहुंचना है तो रात को भी काम करना पड़ेगा, इसलिए 1800 और लगेंगे। कॉन्ट्रैक्टर के ठीक कहने पर रंजित ने काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन काम करते वक्त रंजित, ये कॉन्ट्रैक्टर मुझे 2 दिन का 6000 दे रहे हैं, तो लगता है इसके पास खूब पैसे है, सोचते हुए उसने काम को बीच में ही रोक दिया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर रंजित से, 2 दिन में काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सर, मैंने 2 दिन से बिना सोए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ। मैंने आपकी तारीफ से पूरी कोशिश किया है, थोड़ी समय और दीजिए, बचा हुआ काम पूरा कर दूंगा। तब लाचार ठेकेदार ने रंजित को और पैसे देकर बचा हुआ काम करवाया। रंजित अपनी चालाकी की वजह से 10000 रुपए कमा लिए। एक बार एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रंजित के पास आकर, रंजित मेरा नाम विजय है, मैं शहर के एक सम्मानित कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तुम्हारे इस गांव के पास एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम चाहे तो मेरे पास काम कर सकते हैं, दिन को 1500 रुपए देगा और 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर, कहते हुए कॉन्ट्रैक्टर को हाँ किया। अगले दिन अपने जेसीबी पर वो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल गया। बीच में अपना जेसीबी रोककर रंजित मन में, अब ये रोड से घुमाकर जाऊंगा तो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस जंगल से जाऊंगा तो 3 किलोमीटर में पहुंच जाऊंगा, पैसे और समय दोनों बच जाएंगे। सोचकर अपने जेसीबी से पेट तोड़ने लगा। इससे देख एक बूढ़ा वहां आकर पूछा, अरे पेड़ का क्यों काट रहे हो? अबे वो बुड्ढे, यहाँ से हट जाओ, मुझे बगल वाला गांव को जाना है, रोड से जाऊंगा तो बहुत समय बर्बाद होंगे, इसलिए अपना रास्ता खुद बना रहा हूँ। बेटा, स्वार्थ के लिए पेट काटना ठीक नहीं है, ये जंगल कई जानवरों का घर है, एक बार सोचो। अरे बुड्ढे, पता है मैं कौन हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते है, चुपचाप हट जाओ वरना मैं दूसरी तरफ से और पेट काटने लगूंगा, समझे? बूढ़ा लाचार होकर वहां से हट गया। रंजित यूं ही पेट काटते गया। ये सब दूर से एक बंदर देख रहा था। अपने पेड़ और यादें को नाश होते देख बंदर को बहुत दुख हुआ। तब बंदर ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। रंजित पूरा दिन हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके थक गया था, तो अपने जेसीबी को एक पेड़ के नीचे ठहरा कर सो गया। वो पेड़ पर बैठा बंदर तुरंत नीचे आकर जेसीबी को स्टार्ट किया। बंदर जेसीबी को लेकर जा ही रहा था, तभी रंजित की आंख खुली और वो चार चार पकड़ो चार चार चिल्लाते हुए जेसीबी के पीछे भागा। बंदर जेसीबी को पहाड़ के चट्टान पर ड्राइव करते हुए ले जाकर वहां से छोड़ दिया। जेसीबी वहां से नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। तब रंजित बंदर से, ऐसा क्यों किया मेरा जेसीबी का हाल, ऐसा क्यों किया? क्यों, इतने सालों से जो मेरा घर था, मेरी यादें थी, मेरे पेड़ थे, उन्हें यूं नाश करते वक्त ख्याल नहीं आया? अपने स्वार्थ के लिए हमारे पेड़ को क्यों काटा? क्या वो पेड़ के बीज तुमने बोए कि यूं काटने लगे? ये उसी का नतीजा है, कहकर वहां से निकल गया। तो पेड़ और पौधे बचाइए, वो हमें बचाएंगे। 2 लालची बूढ़े। कई साल पहले बंदीपुर नाम के गांव में एक जमींदार रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम अजीत और छोटे का नाम सुजीत था। वे दोनों लड़ते रहते थे। उनके पिता एक दिन, बच्चों ऐसे लड़ना गलत है, भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तुम में अगर एकता ना हो तो दूसरे को इसका फायदा उठाने का मौका मिलता है, समझा करो। इसके बावजूद वे अपने पिताजी से एक दूसरे की शिकायत करते रहते थे। इस तरह दोनों बड़े हुए, पिताजी बीमार हुए। एक दिन उनकी माँ, तुम दोनों
दोनों को यूं लड़ता देख पिताजी को मानसिक रूप से तकलीफ हुई और बीमार पड़ गए। तुम लोगों को इस समय बंटवारे की बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम लोगों के खातिर मिलजुल कर रहा करो। हमारे जाने के बाद तुम्हें अच्छे भले की सीख देने वाला कोई नहीं होगा। जायदाद का बंटवारा करोगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, सोच लो। अजीत, इसके साथ मैं नहीं रह सकता, मुझे बंटवारा चाहिए। सुजीत, तुम्हारे साथ रहने से मरना अच्छा है। छी, इससे बात करना बेकार है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। माँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, पिताजी की देखभाल ये कर लेगा। कुछ दिनों बाद मन की पीड़ा से माँ बाप की मृत्यु हो गई, जायदाद का भी बंटवारा हो गया। बंगले के बीच में एक दीवार खड़ी की, खेत का भी बंटवारा हुआ। कुछ सालों बाद अजीत और सुजीत भी बूढ़े हो गए। एक दिन अजीत अपने खेत पर एक किसान से खेत जुतवा रहा था, सुजीत भी खेत जुतवा रहा था। इतने में अजीत के किसान का हल किसी चीज से टकरा कर रुक गया। बहुत कोशिश करने पर भी हल आगे नहीं हिल रहा था। तब किसान, मालिक, हल किसी चीज से टकरा रहा है, आकर देखें। अजीत वहां आकर झुककर देखा तो उसे एक सोने का संदूक का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। तुरंत ही किसान से, ठीक है मैं देखता हूँ, आज काम रोक दो। किसान वहां से चला गया। ये सब ध्यान से देख रहा था सुजीत। ये किसान को भेज रहा है मतलब कुछ तो है, इसे खेत में कुछ मिलने वाला है। मैं अगर यहीं रहा तो ये ऐसा जताएगा जैसे कुछ है ही नहीं। यूं सोचकर अपने किसान से, आज काम रोक दो, कल देखेंगे। इस तरह दोनों वहां से चले गए। ये देख अजीत ने जमीन को खोदा तो एक सोने का संदूक मिला। सुजीत एक पेड़ के पीछे से छिपकर ये सब देख रहा था। बाद में अजीत के पास आकर, ए, मैं जान गया हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, जब तुमने किसान को भेज दिया था इसीलिए छिपकर देख रहा था। अजीत, तो क्या हुआ, जाकर अपना काम करो। सुजीत, ज्यादा मत उड़ो, उस खजाने में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि ये जमीन अपने पिताजी की है। अजीत, बंटवारे के बाद ये खेत मेरा है मूर्ख, ये खजाना यहाँ मिला है इसलिए ये मेरा है। सुजीत, ये कहाँ मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंटवारे के समय हमें पता ही नहीं था कि खजाना है, इसलिए जिस तरह जायदाद का दो बराबर हिस्सा हुआ था उसी तरह इस खजाने का भी बंटवारा होगा। अजीत, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पिटोगे, कहकर हाथ उठाया। सुजीत, नरमी से समझाने से तुम जैसे लातों के भूत नहीं मानते, कहकर हाथ उठाया। इस तरह दोनों लड़ने लगे। उन दोनों को यूं लड़ता हुआ देख एक सिपाही ने आकर उन्हें रोका। उन्होंने सिपाही को सब कुछ बताया। तब सिपाही ने संदूक और उन दोनों को राजा के पास लेकर गया। दरबार में महाराज, अरे मूर्खो, जहाँ कहीं भी खजाना मिले वो राज्य की संपत्ति है, ये भूलकर तुम आपस में लड़ रहे थे और मेरे पास न्याय मांगने आए हो, तुम्हारी ये हिम्मत। सिपाहियों, तुरंत इन दोनों को कारागार में डाल दो, ऐसा हुक्म जारी किया। इस तरह दोनों को कारागार में बंद कर दिया। तब जेल में एक कैदी, तुम दोनों बड़े मूर्ख हो, करोड़ों का खजाना गवा कर अब जेल में पड़े हो, बराबर बांटने के बजाय जिद में आकर अपना नुकसान कर लिया। ये तो वैसा ही है कि दो मूर्खों की लड़ाई में तीसरा लाभ उठा गया और वह कोई और नहीं अपना महाराज ही है। इसीलिए बच्चों, मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी समस्या का सामना कर सकते हैं, है ना? एक गांव में अजय, विजय, उदय और विनय नाम के चार छोटे बच्चे रहते थे। वो चार बड़े गहरे दोस्त थे, साथ मिलके पढ़ाई करते थे, साथ मिलके खेलते थे और बड़ा हुल्लड़ मचाते थे। हर रोज वो चार मिलकर गांव के चबूतरे पर बैठकर गप्पे मारा करते थे। धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ा और अब वो जवान हो गए। अजय ने एक बस ड्राइवरी की नौकरी पकड़ ली, विजय ने एक पंचर दुकान खोल दिया, उदय एक पेंटर बन गया और विनय ने बैंक में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली।
भले उनको कितने काम पड़े, पर हर रोज वो गांव के चबूतरे पे मिलते थे और दिन भर की बातें किया करते थे। एक दिन जोर की बिजली कड़की और तूफान शुरू हो गया। अजय का बस एक जंगल के रास्ते जा रहा था। अजय बस को धीरे धीरे सावधानी से चला रहा था। एक यात्री को जल्दी था, उसने कहा, ओ ड्राइवर साहब, इतने आहिस्ते से चलाओगे तो घर कब पहुंचूंगा, थोड़ा रफ्तार तो बढ़ाओ। वो चिल्लाया। अजय ने कहा, अरे साहब बारिश गिर रही है, तेजी से चलाऊंगा तो आपको विपद हो सकती है, जरा धीरज धरो। एक ने कहा, अरे बाप रे, धीरज धरने को बोलता है, इतनी भी क्या सावधानी भाई, अरे कौन सा विपद आ जाएगा, चलाओ चलाओ जरा तेजी चलाओ वरना तुम्हारे मालिक से बोलना पड़ेगा, समझ गए। यात्री कितने ही बातें बोल रहे थे पर अजय ने स्पीड नहीं बढ़ाई। दूसरे दिन सुबह उसके मालिक ने पूछा, अरे अजय तुम्हें क्या पता नहीं है कि पैसे निकालने के लिए रोज के 4 ट्रिप लगाने पड़ते हैं, कल तो तुमने 3 ही ट्रिप लगाए, पता है मुझे कितना नुकसान हुआ, लोग बोल रहे थे तेजी से बस चलाओ और तुम धीरे चला रहे थे, खुद को क्या समझ रखा है तुमने। अजय बोला, मालिक कल जोर बारिश हो रहा था, मैं गाड़ी इसलिए आहिस्ता चला रहा था ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, सिर्फ बारिश की वजह से ही मैं 3 ट्रिप लगा पाया, यात्रियों को ड्राइवरी के बारे में क्या पता है मालिक, आप उनकी बातें अनसुनी कर दीजिए। मालिक बोला, याद रख हमें पैसे वो यात्री ही देते हैं, हमें उनके मुताबिक गाड़ी चलाना पड़ता है, वैसे भी तुम लोगों के झिकझिक से मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसों से मतलब है, भाई अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तुम आज ही नौकरी छोड़ के चले जाओ। बेचारा अजय हताश हो गया और दुखी मन लेकर वहां से आ गया। शाम को चबूतरे पर चारों दोस्त मिले। विजय बोला, अरे ये तो बहुत गलत बात है, यात्रियों को पता नहीं है कि तेजी से चलाने से बारिश में विपद हो सकता है, और तुम्हारा मालिक का बुद्धि कहाँ गया, वो भी उन्हीं का सुर गा रहा है। उदय बोला, अरे ऐसे ही लोगों की वजह से देश का हालत ये हो गया है, तू वहाँ नौकरी नहीं करेगा यही अच्छा होगा। विनय बोला, भाई जो घट गया है उसके बारे में सोचना छोड़ो और जो करना है उसके बारे में सोचो, सुन तू खुद ही एक बस खरीद के चला तो सकता है, जरा सोच के देख मेरी बात। तो अजय ने कहा, मैं बस खरीदूं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्या बोल रहा है तू, जरा सोच के तो बोल। विनय बोला, मैं अपने बैंक मैनेजर से बात करके तुझे लोन दिलाने की कोशिश करता हूँ, उन पैसों से तू एक सेकंड हैंड बस खरीदेगा और उसे चलाएगा तो काफी मुनाफा होगा। विजय बोला, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, सुन बस के जो भी रिपेयर्स होंगे वो हम सब मिलके कर लेंगे, अब तो मना मत करना। इसके बाद बैंक लोन उन्हें मिल गया, उन्होंने एक पुरानी बस ढूंढी और उसे खरीद लिया। उदय ने उस बस को अच्छी तरह से पेंट कर, विजय ने उस बस के टायर्स लगा दिए और अच्छी तरह से साफ करने से वो बस एकदम नया लगने लगा। फिर उस बस को चलाते हुए अजय अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। उसे देखकर उसका पुराना मालिक बहुत जलता था। एक दिन अजय का बस जंगल के रास्ते जा रहा था, फिर से जोर का तूफान शुरू हो गया। बस को धीरे धीरे चलाते हुए अजय ने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए, बारिश में तेजी से बस चलाने को मुझे मत कहिएगा, थोड़ी देर हो सकती है पर सही सलामत घर लौटना बहुत अहम है, कृपया मेरी बात समझिए। उसके पीछे से उसका पुराना मालिक का एक बस बहुत तेजी से आया और उसे ओवरटेक करके निकल गया। बस तेजी से जाते जाते एक जगह कंट्रोल खो गया और उलट गया। अजय ने अपनी बस को वहां रोका। जिन लोगों को चोटें आई थी अजय ने उन्हें अपने बस पे चढ़ा लिया और गांव वापस आया। अपनी बस के बारे में खबर मिली तो उस मालिक ने अपना सर पकड़ लिया। तो बच्चों, इस दुनिया में पैसों से कई गुना बड़ा होता है इंसान के संबंध। सारे संबंधों में दोस्ती बड़ा अनमोल होता है, इसलिए हमें दोस्ती का हिफाजत हर वक्त करना चाहिए, है कि नहीं। टमाटर बेचने वाली की सफलता। सिंगापुर नाम के गांव में कावेरी नाम की एक बेवा रहती थी। उसके पास एक छोटा खेत था, उसमें टमाटर उगाकर गांव में घर घर जाकर बेचती थी। कावेरी की मदद उसका छोटा भाई अरविंद करता था। एक बार कावेरी, टमाटर ले लो टमाटर, कहते हुए गली गली जाकर टमाटर बेचने लगी तो एक गृहिणी, अरे ओ टमाटर वाली इधर आना, बोलो बहन टमाटर चाहिए, बिल्कुल ताजा टमाटर है, क्या भाव दे रहे हो, किलो कितने का है, सिर्फ 20 रुपए की किलो है, ठीक है 1 किलो देना,
गृहिणी एक किलो टमाटर लेकर, हर रोज टमाटर बेचते हुए तुम्हें क्या लाभ होता होगा? देखो धूप में टमाटर कैसे सूख रहे हैं। मेरे पास एक तरकीब है, तुम टमाटर के अचार बना सकते हो ना। कावेरी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, उसने ठीक है कहा और वहाँ से चली गई। तब कावेरी ने अपने भाई की मदद से टमाटर का अचार डालकर उसे बोतलों में रखा। उन बोतलों को टमाटर के साथ रेडी में रखकर गली गली घूमकर बेचने लगी। टमाटर का अचार ले लो, टमाटर का अचार, बढ़िया अचार, कहकर बेचने लगी। कम समय में ही कावेरी का अचार लोगों को बहुत पसंद आया तो कारोबार अच्छा चलने लगा। कावेरी का छोटा भाई, दीदी अब खूब पैसे कमा रही है, मैं भी दीदी वाला कारोबार ही करता हूँ, मुझे भी पैसे कमाने हैं, कहकर टमाटर के अचार बनाने लगा। कावेरी अपने भाई की इस हरकत को देखकर बहुत दुखी हुई। अरविंद के बनाए टमाटर के अचार कोई ज्यादा नहीं खरीदता था, इसके कारण अचार खराब होने लगे। कारोबार में नुकसान होने के कारण अरविंद दुखी हुआ तो उसे देखकर कावेरी, कुछ भी हो अरविंद मेरा छोटा भाई है, उसे सही रास्ते पे लाना होगा। यूँ सोचकर कावेरी अरविंद के पास गई। अरविंद दुखी ना हो, मैं जैसे कहूँगी वैसे करो, तुम फिर से कारोबार में उठोगे। दीदी तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें धोखा देकर कारोबार किया, फिर भी तुम मेरे हितैषी बनकर मेरी मदद कर रही हो, अब से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तब कावेरी ने अरविंद को अचार बनाने की विधि और बेचने का तरीका सिखाया। अरविंद दीदी के कहे अनुसार ही हर काम करने लगा तो कारोबार में लाभ होने लगा। व्यापार में कमाए रुपए में आधा दीदी को देने लगा। इस तरह एक दीदी ने छोटे भाई को सही रास्ता दिखाया।